राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा या कहानी। दोस्तों जो स्त्री सुहागन स्त्रियां वट सावित्री की व्रत करती हैं और पूजन करने के बाद कथा जरूर से सुनी जाती है। कोई भी आप व्रत रख रहे हो, बिना कथा सुने वो व्रत वो पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है, तो कथा जरूर से सुनी जाती है। दोस्तों मैं वट सावित्री की पूजा विधि भी इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ। आप सेम विधि से आप वट सावित्री के दिन इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और कहानी सुना रही हूँ, कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं वीडियो में कभी कभी उपाय भी बताती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके मत देखें, नहीं तो वीडियो आदि जो वीडियो की जानकारी है पूजा विधि आदि दूरी ज्ञानवर्धक नहीं होती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वट सावित्री व्रत की कहानी, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अश्वपति नाम के राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी विद्यात्री की तपस्या की। विद्यात्री की कृपा से राजा के यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया। लड़की का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत रूपवान और गुणी थी। राजा ने पंडितों से उसकी शादी की चर्चा की। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि सावित्री को खुद अपना वर चुनने की आज्ञा दे दे। राजा ने ऐसा ही किया। एक बार सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता से मिली। सत्यवान के रूप गुण और लक्षण देखकर उसे अपना पति चुन लिया। राजा सावित्री की शादी सत्यवान से करने को तैयार हो गए। जब नारद जी को यह बात पता चली तो नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, सावित्री ने जो पति चुना है वह बुद्धि में ब्रह्मा के समान, सुंदरता में कामदेव के समान, वीरता में शिव के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है, लेकिन वह अल्पायु है और वह एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने यह बात सावित्री को बताई और कोई दूसरा वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, क्षत्राणी एक बार ही वर चुनती है और मैं सत्यवान को वर चुन चुकी हूँ। तब राजा ने सत्यवान व सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा शुरू कर दी। बचपन से ही सावित्री शिव आराधना किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद भी वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और आने वाले संकट को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। तो दोस्तों सपने में शिव जी ने उसे वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए कहा, जो कि हम इस प्रकार से कर रहे हैं। सावित्री ने नियम पूर्वक वट वृक्ष की पूजा आरंभ कर दी। जब सत्यवान की मृत्यु होने में 3 दिन शेष रह गए तो उसने खाना पीना कठोर व्रत किया। खाना पीना छोड़ करके कठोर व्रत किया। जब ज्येष्ठ महीने की अमावस्या आने वाले दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा, तब सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा तो सावित्री बोली, मेरे गोद में सिर रख कर थोड़ी देर आराम कर लीजिए।
सावित्री की गोद में लेटते ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तो व्रत के प्रभाव से सावित्री को यमराज दिखाई देने लगे। वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे नहीं आवे, उन्हें उनका काम करने दें। किंतु वह बोली, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने पति के साथ चलूंगी। यमराज ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, सत्यवान के अलावा कोई भी वर मांग ले। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर राज्य छोड़कर अंधे होकर रहे हैं और उनकी आंखों की रोशनी और राजपाट उन्हें वापस मिले। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर उसके बाद सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। सावित्री बोली, मैं सत्यवान को छोड़कर एक बार और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज क्रोध में आकर बोले, 2 वरदान देने के बाद भी तुम वापस नहीं लौटती। सावित्री बोली, महाराज सत्यवान के बिना जीवन कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लौटी। यमराज बोले, अब आखिरी बार सत्यवान को छोड़कर एक वर और देता हूँ। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र और अटल राजपाट मिले। यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। वट सावित्री की कथा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे आ रही थी। गुस्से से कुपित होकर बोले, अब तू नहीं लौटी तो तुझे श्राप दे दूंगा। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज एक पति व्रता नारी स्त्री को अपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पति सत्यवान के बिना यह कैसे संभव है। यमराज को अपनी गलती समझ आ गई और उन्हें सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा। सत्यवान जीवित होकर खड़े हो गए। सावित्री और सत्यवान ने गाजे बाजे के साथ वट वृक्ष की पूजा की। पत्तों के गहने बना करके पहने तो वे हीरे मोती के हो गए। घर वापस लौटे तो देखा सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और राजपाट भी वापस मिल गया। पिता अश्वपति के 100 पुत्र हुए। सत्यवान को राजगद्दी मिली। चारों तरफ सावित्री के व्रत की चर्चा होने लगी। वट सावित्री व्रत। हे वट वृक्ष, जैसा सावित्री को सुहाग और वैभव दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को भी देना। वट सावित्री व्रत। कथा के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। जो कहानी इस प्रकार से है, भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर कर सकते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु और ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा वरदान देने वाले भगवान श्री गणेश की कहानी इस प्रकार से है। तो भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की
पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल में हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो चलिए भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ कर कर जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। तब जब वह वापस अपने घर आए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने जब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। अब वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, जा आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। जब उसने आने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन जब पीछे मुड़ी तो वो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह
सात खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। तो दोस्तों, गणेश जी की बोलो जय, जय गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अब मैं एक उपाय बताती हूँ कि हमें वट सावित्री व्रत की पूजा किस प्रकार से करनी होती है। तो दोस्तों, यह पूजा आपको दोपहर के समय यानी दोपहर के बाद इस पूजा को किया जाता है। जब तक इस पूजन को किया जाता है, ना तो जल ग्रहण किया जाता है और ना ही कुछ खाया पिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो, परंपरा होती हो, आप वैसा पालन करें। तो दोस्तों, अगर आप निर्जला रहकर इस व्रत को करते हैं तो आप इस पूजन को सुबह सुबह में जल्दी जल्दी इस पूजन को कर सकते हैं, ताकि आप जब आप भांवर लगा लेते हैं और फेरी कर लेते हैं, आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद पूजा स्थल के पास ही आप जल ग्रहण करके अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरा दिन फलाहार या निराजल रह करके इस व्रत को करें और जब तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद, तारों की विधि विधान से पूजा करने के बाद, आप एक समय मीठा भोजन अन्न का करना है। आप चाहे तो आप जो भी भोग में बनाए हैं, खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी आपने बनाया है वो आप खा सकते हैं। सिर्फ एक ही समय आपको अन्न का मीठा भोजन करना है। तो आप हो सके तो आप पूड़ी, गुलगुले, जो भी मीठा पकवान बनाए हैं, आप उससे अपना व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये व्रत करना किस प्रकार से है? अगर आप ये व्रत पहली बार कर रहे हैं, शादी के होने के बाद पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप यह व्रत अपने मायके से करें और जो भी सुहाग का सामान है वो आपके मायके का ही होना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही शुभ रहता है और मायके से उठाया गया यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अगर किसी कारणवश आप अपने मायके नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सामान को मायके से मंगवाकर ससुराल में इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के दिन 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन बन करके इस पूजन को आप करें। और हो सके तो आज के दिन गर्मियों से राहत पाने के लिए ठंडी चीजें दान करें, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा आप दान कर दें, जैसे खरबूजा, ककड़ी, ये आप ठंडी चीजें दान कर सकते हैं। और हो सके तो आप यहाँ छाता भी दान कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी आपकी जितनी शक्ति है, आप में जितना सामर्थ्य है, आप वैसा करें। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के जो ये नियम है, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो आप सात्विक रहें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। इसमें झूठ ना बोलें और सत्य यानी किसी की परनिंदा चुगली ना करें। इससे हमें
पाप लगता है। वैसे तो व्रत वाले दिन नहीं बल्कि कभी भी नहीं हमें किसी की पर निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। और हाँ, जब भी आप आज के दिन खाना बनाएं व्रत वाले दिन, तो आप प्याज और लहसुन का तड़का ना लगाएं, सात्विक भोजन बनाएं और भोग लगाएं, और हो सके तो आप आज के दिन तुलसी पूजन जरूर से करें। तो ये थी मेरी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री लिखें, जय माता दी लिखें। और आप जब वट सावित्री का व्रत कर रहे हो तो पूजा के दौरान आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी या डंडी लाकर के पहले दिन रख लें, ताकि हमें इससे पाप ना लगे जिस दिन हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। और अमावस्या का दिन है तो आज के दिन पितरों का तर्पण करना ना भूलें, उनका जरूर से जो भी भोग बनाए हो उससे हवन उनकी समिति के लिए जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।